मोटी संख्या में माई भक्त दर्शन कराया छे। सामान्य रीते तो भाईबीज दिवसे फिल्मी कलाकारों अंबा माता दर्शन आता हो, परंतु लाभपाशी दिवसे अभिनेत्री रोमा माणिक और फिल्म अभिनेता गोविंदा धर्मपति सुनीता आहूजाए मां अंबा आशीर्वाद लीधा था। चाचर चौक में मंदिर वहीवटदार द्वारा बने कलाकारों सन्मान करायु, त्यारबाद अंबाजी माता ने नतमस्तक थी आशीर्वाद मेव्या था। तो बीजी तरफ मोटी संख्या में श्रद्धाओं माता आशीर्वाद लीधा था। लाभ पाशन दिवसे माता आशीर्वाद लईने वेपारी द्वारा धंधा रोजगार शुरू कर। मंदिर में पहली बार आई हूँ मैं, अहमदाबाद बहुत बार आई थी, लेकिन माता का दर्शन करने इस बार पहली बार आई हूँ। और मेरा बेटा का पिक्चर स्टार्ट होगा इस महीने, तो मैं अपने बेटे के लिए पूजा करने आई हूँ। जैसे मेरे बेटे का पिक्चर सुपर हिट हो जाए, मैं चाहती हूँ माता रानी उसको इतना आशीर्वाद दे कि वो अपने पिता से भी बड़ा एक्टर बने। इसीलिए मैं माता को पुकारने के लिए आई हूँ। और जैसे मेरा बेटा का पहला पिक्चर सुपर डुपर हिट होगा, वो तो मुझे पता ही होगा, मैं स्वयं आऊँगी इधर ध्वजा चढ़ाने कि आज माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करने, क्योंकि बहुत बड़ा आज दिन है और मैं बॉम्बे से यहाँ आई हूँ। आज माता जी ने बुलाया तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। बस सबका कल्याण हो। और मैं तो खैर बहुत बार आई हूँ अम्बा जी तो, लेकिन आज खास दिन में यहाँ पे आई हूँ तो उसका कुछ महत्व ही अलग लग रहा है। और यहाँ आज ध्वजा पूजा है तो उसके लिए आया तो उसका आनंद अलग ही आ रहा है। बस माता जी सबकी मनोकामना पूर्ण। लाभपाशनना दिवसे પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે મોટી સંખ્યામાં માઈ ભક્તો માના દર્શને આવ્યા છે, અને આ દિવાળીની રજાઓ દરમિયાન પણ બેસતા વર્ષથી લાભપાશન સુધી પણ મોટી સંખ્યામાં માઈ ભક્તોએ માતાજીના દર્શનનો લાભ લીધેલ છે અને તેને તે અનુભવ્યું છે। શિયાળાની ઋતુની શરૂઆત છે, ખૂબ જ આહલાદક વાતાવરણ છે અંબાજીનું, અને સવારમાં ગુલાબી ઠંડીની વચ્ચે દરેક શ્રદ્ધાળુએ ચાની ચુસ્કી લઈ એક આનંદ વિભોર બન્યા છીએ। અને આવો લાભ અમને માતાજી વારંવાર કરાવે અને આવો લાભની વ્યવસ્થા કરી આપે। આરા સુરી અંબાજી સેવા ટ્રસ્ટ, અંબાજી ટ્રસ્ટ દ્વારા પણ અમને ખૂબ મોટો સહયોગ મળ્યો છે, એમના દ્વારા અમને આ સેવાનો લાભ થકી મળ્યો છે। આ સાથે અમે બીજી અન્ય સેવાઓ પણ કરી રહ્યા છીએ। सब पीढ़ी से सब सलाह आ रहा है कि हम दर्शन करते ही है, अभी आगे बढ़ेंगे, आकर सब नए काम की शुरुआत करेंगे। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत सुकून मिलता है, बहुत शांति मिलती है मंदिर आके। जय।